हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कर सकते हो हमारा एंड्रॉइड ऐप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको मिलेंगे फ्री ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन टेस्ट, क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स फॉर नीट, आईटी, जेईई, फाउंडेशन प्रोग्राम एंड स्कूल करिकुलम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए टॉपिक के साथ, तो ट्रायंगल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वाइड है और आप लोग साइंस में इसको फेस करने वाले हैं, स्पेशली इन फिजिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के साथ में। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट कुछ ये रहा। तो हम लोगों ने अभी तक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, बट व्हाट अबाउट सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी नाम का जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए नया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखने वाले कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी क्या होना चाहिए। तो ये समझते हैं कि एग्जांपल के ऊपर से। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे मैंने यहां पे कुछ डायग्राम्स लिया है। तो पहले टाइम में हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे और सेकेंड टाइम में इन दोनों का। तो यहां पे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के अंदर एबी इक्वल्स टू पीक्यू, एसी इक्वल्स टू पीआर एंड बीसी इक्वल्स टू क्यूआर है, राइट? और यहां पे आप लोग देख पाओगे एंगल ए इक्वल्स टू पी, बी इक्वल्स टू क्यू एंड सी इक्वल्स टू आर। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी को उठा के पीक्यूआर के ऊपर रख दूं तो यहां पे उनके साइड्स पूरे के पूरे परफेक्टली मैच करेंगे, यानी ओवरलैप करेंगे, यानी कोइंसाइड करेंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट इज व्हाट पीक्यूआर। तो ये होगा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके, ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आपस में इक्वल होते, बट व्हाट अबाउट सिमिलैरिटी? अब मान लो यहां पे मैंने ट्रायंगल एबीसी को उठा के पीक्यूआर के अंदर रख दूंगा तो ये ओवरलैप या फिर मैच नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है यहां पे? तो अगर मान लो यहां पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है, तो हम लोग कहेंगे ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। तो ये सिमिलैरिटी मतलब क्या है? सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। तो क्या कैसे लिखना है? तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब सिमिलर मतलब क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैंने एबीसी ट्रायंगल को उठा के पीक्यूआर के ऊपर रख दिया। अब मान लो यहां पे एबीसी का लेंथ, लेट्स से सम कुछ लेंथ है, लेट्स से एबीसी का लेंथ 2 है और यहां पे पीक्यूआर लेंथ हमारा पे 4 है, राइट? देन नेक्स्ट, अगर यहां पे एबीसी का लेंथ हमारा यहां पे लेट्स से 3 है तो क्यूआर का क्या होना चाहिए पता नहीं, बाद में ढूंढ लेंगे। और मान लो यहां पे एसी का लेंथ अगर 4 है तो पीआर क्या होना चाहिए? तो गाइस, सबसे पहले आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। मैंने क्या बोला? साइड का रेशियो होता है प्रोपोर्शन में। तो चलो लिख देते इसका मतलब क्या है। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से? देखो एबी का करस्पॉन्डिंग साइड है हमारा पीक्यू, तो देखो ये बनेगा हमारा एबी अपॉन पीक्यू। देन नेक्स्ट बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है हमारा क्यूआर, सो दिस इज व्हाट बीसी अपॉन क्यूआर। एंड देन नेक्स्ट एसी अपॉन पीआर। ओके, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा प्रोपोर्शन में आ गया। कैसे? ए बी हमारे लिए 2 है और बी पी के हमारे लिए 4 है, तो ये बनेगा 2/4, दैट इज व्हाट, ये बनेगा 1/2। बी सी भी कितना बनना चाहिए? अगर बी सी का वैल्यू 3 है तो क्यू आर कितना बनना चाहिए 1/2 होने के लिए? तो क्यू आर ऑब्वियसली 6 होना चाहिए। अगर हमारे पास ए सी 4 है तो पी आर कितना बनेगा? तो पी आर ऑब्वियसली 8 बनना चाहिए, तब जाके ये 1/2 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल बनेंगे और साइड का जो रेशियो है वो आएगा प्रोपोर्शन में। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सीख है, राइट? तो चलाओ देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर एंगल सी ए बी लिया है। ओके, इस एंगल सी ए बी को मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो क्यों ना मैं यहां पे बी से लेकर सी ज्वाइन कर दूं? तो चलो मैंने बी से लेकर सी ज्वाइन कर दिया। ओके, अब मैंने क्या लिया, ए बी के और एक पॉइंट लिया, मान लो यहां पे समवेयर ओवर हियर। ओके, अब यहां से मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि बी सी को पैरल है। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं बी सी को पैरल। ओके, तो अगर ये पैरल है तो चलो दिखा देते, ये पैरल है, ये पैरल इसको है, बीसी को पैरेलल। चलो इसको भी कुछ नाम दे देते, ये है मान लो हमारा डी पॉइंट और ये हमारा मान लो ई पॉइंट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि भैया डी ई
पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब मान लो मेरे पास अगर ए बी का कुछ सर्टन लेंथ है, लेट से अगर ए बी हमारे यहाँ पे 4 मीटर्स है या फिर 4 यूनिट है, ओके तो अब ये ए डी पॉइंट के बाद ए डी और डी बी अलग अलग हो चुके हैं, ओके तो लेट से अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ए डी हमारे यहाँ पे 3 है एंड डी बी हमारे यहाँ पे 1 है, ओके अब ये दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है गाइस, अब मैं मेजरमेंट करके देखूंगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी कितना है हमारे पास, ए डी हमारे पास 3 है और डी बी हमारे पास यहाँ पे 1 है, ओके अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा ए ई अपॉन ई सी, ये लेट से हमारा ए ई अपॉन ए सी। अब मान लो मेरे पास ए ई, अब पहले से ही मेरे पास ए सी हमारा 5 था, ये ए सी पूरा हमारे पास 5 था। अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज है, तो अगर ये ऐसा है तो ये कैसे बनेगा, तो हमारा रेशियो तो 3:1 पार्ट में चाहिए, हमारा रेशियो कैसे चाहिए 3:1 पार्ट में। तो उसका सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा सा नंबर अलग कर देते हैं, राइट तो इसको हम लोग 5 के जगह पे हम लोग लेने वाले, सो यहां पे लेते हैं हम लोग 8, ओके ये 8 लेने के बाद हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। तो ए कितना ले, हम लोग ए अज्यूम करेंगे लेट्स से 6, तो ऑब्वियसली ये बनना चाहिए हमारा 2। तो कैसे देखो, तो ए हमारा 6 है तो ई सी बनेगा हमारा 2, तो ये ऑब्वियसली बनेगा 3:1, तो ये बनेगा हमारा 2। मतलब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है एक ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ पे जो भी हमारे साइड्स डिवाइड होने वाले हैं वो बनेगा हमारे इन प्रपोर्शन, ओके तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपस में प्रपोर्शन में आ चुके हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। कैसे, आप लोग यहां पे देख पाओगे कि एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, ओके कैसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी है। सिमिलरली एंगल ई, सिमिलरली एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्योंकि डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो इसको और बेहतर समझते हैं हमारे नए वाले यहां पे थ्योरम के साथ, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग देख पाओगे अराउंड 90% एग्जांपल्स आप लोग बोर्ड्स में देख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ में, ऑलराइट तो स्टेटमेंट कुछ ये रहा, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये तकरीबन 9 से 10 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या है स्टेटमेंट, इसका एक बार रीड करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वही स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है, अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है और किसी एक साइड से मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं अदर साइड को, तो ये जहां पे डिवाइड करेगा तो ये इक्वल रेशियो पार्ट्स में यहां पे उसको डिवाइड करने वाला है। मतलब कुछ ऐसे, यहां से हम लोगों ने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया जो कि इस लाइन को था, तो यहां पे जो रेशियो पार्ट्स बन रहे AD / DB equals to AE / EC, हमको ये यहां पे प्रूव करवाना है। तो इसी का तो नाम है हमारे यहां पे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, BPT या फिर थेल्स थ्योरम। ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो चलो इसको प्रूव करवाते हैं। बट इससे पहले हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ओके तो मैंने ऑलरेडी यहां पे इंफॉर्मेशन लिख दी है, अ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, यहां पे DE पैरेलल टू बीसी है, एंड देन नेक्स्ट अगर यहां पे DE पैरेलल टू बीसी है तो यहां पे AB के ऊपर हम लोगों ने कोई पॉइंट D लिया है और वो यहां पे बना के E इंटरसेक्ट करेगा AC को, ओके तो हमें यहां पे प्रूव करवाना है कि AD, ये हमारे लिए AD है, ओके ये AD by DB equals to A by EC, ये प्रूव करवाना, या फिर ये पूरा का पूरा AB upon AD equals to ये पूरा का पूरा AE upon यहाँ पे AE upon यहाँ पे AC, AC upon AE, then next हमारा बनेगा AB upon यहाँ पे बनेगा DB और ये बनेगा हमारा AC upon EC। आप लोग किसी एक चीज को प्रूव कर लो, बाकी अपने आप यहाँ पे प्रूव होने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको यहाँ पे लगने वाला लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये बहुत इजी है और हम लोगों ने ऑलरेडी एसटीजे की है। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, हम लोग बहुत सिंपल स्टेप्स यहाँ पे उठाने वाले। हम लोग डी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बनेगा परपेंडिकुलर, यानी देने वाला हमको हाइट। तो चलो ये बना देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और ई से भी सेम चीज हम लोग करने वाले, ये भी बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, ओके तो चलो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर है। तो एग्जैक्टली ये क्या देने वाला, ये देने वाला इस ट्रायंगल का हाइट, ओके तो मैं उनका नाम यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, ओके तो लेट्स से ये हमारा लेट्स से एफ पॉइंट है और ये हमारे लिए जी पॉइंट है, ओके एंड देन लास्ट है कंस्ट्रक्शन में हमारा, यहाँ पे मैं बी से लेकर ई को ज्वाइन करूंगा एंड यहां से डी से लेकर सी को ज्वाइन करूंगा, ठीक है इतना ही हमारे लिए कंस्ट्रक्शन है।
ओके तो अगर ये करने से पहले हम लोग कुछ कलर्स भी अलग यूज कर सकते हैं। आप लोग यहां पे देख पाओगे कि मैंने यहां पे ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE मैंने यहां पे दो हाइट्स लिए हैं। कौन कौन से है? एक मेरा ये है और ये मेरा है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ADE का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मैं उसको दो तरीके से लिख सकता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कैसे? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2, पहली बार में मेरा बेस अगर मैं AD लूंगा उसके लिए मेरा हाइट है EF, तो 1/2 मेरा बेस है AD, है ना, AD इनटू व्हाट इज दैट EF। और अगर मैं यहां पे बेस मेरा AE लेने वाला हूं तो वो क्या बनेगा? तो बेस अगर मैं यहां पे AE लूंगा तो ये बनेगा 1/2 मेरा बेस लेट से AE, और हाइट क्या बनेगा गाइस? हाइट बनेगा मेरा DG, हाइट बनेगा मेरा DG। बट आप कोई भी यूज करो, आपका ट्रायंगल का एरिया तो सेम आने वाला है। तो चलो इसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ नेक्स्ट, अब इसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करने वाला। यहां पे आप लोग देख पाओगे कि DE पैरेलल टू BC है, ये हमारा गिवन है, DE पैरेलल टू BC, और ये दो पैरेलल की लाइन के बीच में मेरे पास दो ट्रायंगल है विद द सेम बेस। कौन है? एक है हमारा DBE और दूसरा है हमारे यहाँ पे ECD, और दोनों का भी एरिया आपस में सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं जो कि लाई बिटवीन करते हैं हमारे पैरेलल लाइंस और उनका बेस सेम है, तो उनका एरिया भी हमारा आपस में सेम होगा, राइट? तो चलो आप देखते हैं यहां पे कि बाय दिस स्टेटमेंट मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि दैट इज व्हाट एरिया, मैं यहां पे लिखना चाहिए एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा मैंने कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मस्ट बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, है ना, CED, क्योंकि ये दोनों लाइन करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में और दोनों का बेस भी सेम है जो कि हमारा यहाँ पे DE है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे गाइस BDE कैसे लिख पाओगे? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको सोचिए और बताइए। तो अगर आप लोग ने इसको सोच लिया है तो यहाँ पे कैसे रहेगा? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो आप लोग अगर उसका बेस BD मानेंगे तो ये बनेगा 1/2 बेस बनेगा हमारा BD। बट व्हाट अबाउट हाइट? हाइट क्या रहेगा गाइस? देखो इस ट्रायंगल BDE के अंदर उसका वर्टिसेस D और E है, तो उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अगर मैं BD को एक्सटेंड करूंगा तो जाएगा A तक, तो उसका हाइट हम लोग EF ले सकते हैं, उसका हाइट हम लोग EF ले सकते हैं, और ये हम लोगों ने ICSE क्लास 9 में ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। इक्वल्स टू, अब फॉर ट्रायंगल CED का एरिया, तो CED के अंदर हम लोग देख पाओगे कि अगर मैंने यहां पे बेस EC लिया है तो EC को एक्सटेंड करेंगे तो जाएगा A तक, तो हाइट पॉइंट D तक कैसे निकलोगे? तो हाइट हमारा होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो हमारा हाइट बनेगा यहां पे DG, तो यहां पे बेस हमारा EC है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं EC या फिर CE, और एन टू हाइट हमारे यहां पे GD या फिर DG है। ओके चलो DG लिख देते, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके अब हमारा काम यहाँ पे हो गया है, कैसे? अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं आपस में डिवाइड करूंगा, तो चलो यहाँ पे लिख देते डिवाइड इक्वेशन 1/2, राइट हैंड साइड में अलग डिवीजन और लेफ्ट हैंड साइड में अलग। तो देखो आप लोग अगर इसको डिवाइड करोगे इस वाले से तो 1/2 कैंसिल, तो यहां पे EF और EF भी कैंसिल, EF और EF भी कैंसिल, तो क्या बनेगा? ये सिर्फ बचेगा AD अपॉन BD, ये बचेगा हमारा AD अपॉन BD। ओके और इधर में क्या बचेगा? देखो 1/2 और ये 1/2 भी कैंसिल, आप लोग देख पाओगे, उसके बाद ये DG और ये DG भी कैंसिल, तो यहां पे बचेगा AE अपॉन EC, तो चलो मैं लिख देता हूं ये बनेगा हमारा AE अपॉन EC, ठीक है। तो क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था? देखो हम लोगों ने ये पहला वाला प्रूफ कर दिया है, देखो दो स्टेप से हम लोगों ने इसको प्रूफ करवा दिया है, तो ये काफी सिंपल था। बट हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल कैसे कर दिया? क्योंकि ये दो ट्रायंगल जो है ये लाई करते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में और उनका दोनों का बेस सेम है। ओके सो इसलिए उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। बट हमें ये दो चीजें प्रूव करवानी है, तो कैसे करेंगे? तो चलो इसको भी प्रूव करवा देते हैं, अब इसको ही पकड़ के हम लोग उसको प्रूव करेंगे। कैसे? देखो मैं थोड़ा सा यहां पे लाइन बना देता हूं, चलो यहां पे थोड़ा जगह बना देते हैं और उसको प्रूव करवा देते हैं। तो यहां पे अगर मान लो मैंने AD अपॉन BD, हमारा AD अपॉन BD है, तो मैं दोनों साइड में अगर मैंने प्लस वन कर दिया तो ये क्या बनेगा? देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूं हमारा यहाँ पे AD अपॉन BD और इक्वल्स व्हाट इज दैट AE अपॉन EC, है ना, दोनों साइड में हम लोग प्लस वन कर देते एक बार, ठीक है, ये प्लस वन कर दिया, इधर भी प्लस वन कर दिया, सेम चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो AD प्लस BD यहाँ पे बचेगा, AD प्लस BD डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा BD, और यहाँ पे क्या बचेगा गाइस? ये बनेगा AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे AD प्लस BD क्या होगा यहाँ पे,
यहाँ पे देखो ये AD plus BD बनेगा हमारा AB और AE plus EC बनेगा हमारा AC, ठीक है। तो ये बनेगा AB और ये बनेगा हमारा यहाँ पे AC, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे AB और by BD equals ये बनेगा हमारा AC upon EC। क्या ये required one of the proof है? देखो क्या हमारा required one of the proof है, ठीक है। तो यहाँ पे AB, यहाँ पे हम लोगों ने AB upon BD, AB upon BD, देखो AB upon BD को AC upon EC ये प्रूव कर दिया है। अब इसको कैसे करें? तो इसको करने से पहले हम लोगों ने ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव किया है तो उसको थोड़ा सा रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारा BD upon AD equals to ये बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा AC upon AE। अब दोनों साइड में फिर से प्लस वन कर देते हैं, चलो प्लस वन कर देते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे बनेगा, फिर से बनेगा AD प्लस BD या फिर BD प्लस AD डिवाइड बाय AD, ओके। एंड इक्वल्स ये बनेगा हमारा AC प्लस AE डिवाइड बाय AE। तो ये क्या बनेगा गाइस, ये बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा AB अपॉन AD, ये बनेगा हमारा AB अपॉन AD इक्वल्स बनेगा हमारा ये AC अपॉन AE, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो आप लोग देख पाओगे यही हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रूफ है, ओके। So, इस तरीके से हम लोगों ने थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करवा दिया है। बट आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर जो सवाल बनने वाले ये काफी ज्यादा बन सकते हैं, ओके। तो चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। थैंक यू।